रायबरेली में मिर्च पाउडर डालकर किसान से 4,51,000 की लूट हुई है। किसान गेहूं की बिक्री का पैसा निकाल कर घर जा रहा था। मामला मिल एरिया थाना इलाके के मलिक मऊ का है। यहां अमेठी जिले में शिवरतगंज थाना इलाके के रहने वाले किसान अमित जायसवाल सुपरमार्केट स्थित HDFC बैंक से गेहूं की बिक्री का पैसा निकाल कर घर जा रहे थे। उसी दौरान मिल एरिया थाना इलाके के मलिक मऊ में रेलवे फ्लाईओवर के दो बाइक सवार बदमाशों ने किसान की आंख में मिर्च जैसा कोई केमिकल डाल दिया। आंख में मिर्च लगने पर किसान पास ही स्थित पान की दुकान पर मुंह धोने चला गया। इसी बीच बदमाशों ने डिग्गी में रखे 4,51,000 रुपये साफ कर दिए। उधर किसान बाइक के पास लौट कर आया तो उसे कुछ शंका हुई। किसान ने बाइक की डिग्गी चेक की तो उसमें से पैसे गायब थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। देखें, अमित जायसवाल जो थाना सिवरतनगंज के ग्राम सोता नगर निवासी हैं, आज दोपहर में ये HDFC बैंक जो सुपरमार्केट में स्थित है वहाँ से लगभग 4,51,000 रुपए निकाल करके निकले और अपनी बाइक से जा रहे थे। मलिक मऊ ओवरब्रिज क्रॉसिंग के पास पहुँचे थे, उसी दौरान बाइक से दो व्यक्ति आए और इनको रोका रास्ते के बहाने पूछने के लिए। जब ये रुके तो उसी दौरान धोखे से इनके ऊपर कुछ पाउडर जैसा पदार्थ उन लोगों ने छिड़क दिया जिससे इनको खुजली होने लगी। ये बगल की पान की दुकान पर मुंह धुलने के लिए जैसे गए, वो व्यक्ति जो बाइक से आए थे इनकी डिग्गी से पैसा निकाल करके चले गए। इस सूचना पर तत्काल हमारी मिल एरिया की टीम और पुलिस की सर्विलांस की टीम मौके पर पहुंची। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।